हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लासिक्स की जो ज्योग्राफी है यहाँ पे एनसीईआरटी से, राइट, उसे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटाट। एंड जैसे कि आपको मैं बताती हूँ बार बार कि जो क्लासिक्स की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, ये जो है ना आपका बेस बनाने के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जो है इस टॉपिक को या फिर इस बुक को जो है अच्छे से कवर कर लेते हो, द अर्थ आवर हैबिटाट ये वाली बुक को अच्छे से कवर कर लेते हो, तो आपका जो बेस है वो यहाँ पे अच्छे से बन जाएगा। आपको जो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे अच्छे से समझने होंगे अगर आपको जो है आगे ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करना है तो, राइट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो बुक है वो मस्ट है ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें यहाँ पे समझने के लिए। तो अब तक हम यहाँ पे जो है इसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो यहाँ पे देख चुके हैं। सोलर सिस्टम की हमने यहाँ पे बात की थी, एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द ग्लोब, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोब में जो है दो वैल्यूज होती है यहाँ पे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, राइट। उनके बारे में हमने यहाँ पे समझा था उसे हम किस तरह से देख सकते हैं, एंड उन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को यहाँ पे हमारी जो ग्लोब है उसके ऊपर फाइंड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट दी मैप्स आल्सो, राइट। मैप्स के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा था कि हम मैप को किस तरह से स्केल करते हैं, एंड उन ग्लोब एंड मैप के बीच में जो है क्या डिफरेंस है वो भी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जो है वो भी हम यहाँ पे अब तक कवर कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट इन अवर प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, राइट। हमारी धरती के जो मेजर डोमेन्स है उनके बारे में बात की थी। तो 4 जो है इनके डोमेन्स होती हैं, लिथोस्फेयर हो गया, एटमोस्फेयर हो गया, राइट, बायोस्फेयर हो गया, ओके। एंड इनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे वो हम जो हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वहां पे देखने को मिलते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे अब तक कवर कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 6, जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ दी अर्थ, ओके। तो मेजर लैंड फॉर्म्स जो है उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन्स हो गए, राइट, प्लेन्स हो गए, वो जो है हमारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उनके बारे में जो है आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 जो है वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ओके। सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट इज द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि जो धरती की सरफेस है, ओके, धरती की सरफेस के बारे में हमने जो है कई सारे एस्पेक्ट्स अब तक यहाँ पे कवर किए हैं। तो अब आपको जो है ये चीज समझना है कि जो धरती की सरफेस जो है ना वो हर जगह पे सेम नहीं है, ओके। सरफेस जो है वो हर जगह पे प्लेन नहीं है, किसी जगह पे जो है ये रग्ड है, रग, ओके, एंड किसी जगह पे जो है ये फ्लैट भी है। सो द अर्थ हैज अ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो धरती की जो है ना यहाँ पे इनफाइनाइट वेराइटी है लैंड फॉर्म्स की। तो कई पार्ट जो है ना लिथोस्फेयर के वो यहाँ पे रग्ड हैं, एंड कई पार्ट जो ऐसे हैं जो कि यहाँ पे फ्लैट हैं, ओके। रग्ड मीन जो है ऊबड़ खाबड़ वाले हैं, प्लेन नहीं है, राइट। तो ये जो लैंड फॉर्म्स हैं अब यहाँ पे वो बनते किस तरह से है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये जो लैंड फॉर्म्स है ना मेनली दो प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो यहाँ पे बनते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस जो है किस तरह से होते हैं, कौन कौन से हैं ये प्रोसेसेस, आइए देखते हैं। तो आप जो है ना यहाँ पे अमेज हो गए ये यहाँ पे देख के कि जो ग्राउंड है ना जहाँ पे आप खड़े होते हो, यहाँ पे आप जो है डेली अपने रूटीन के जो वर्क है वो यहाँ पे करते हो, आप सोते हो, कुछ भी करते हो, तो ये जो धरती है ना वो हमेशा ही स्लोली जो है वो मूव करती ही रहती है, बट आपको जो है ये फील नहीं होता है। ये क्यों फील नहीं होता है इसके बारे में हम यहाँ पे आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें कवर करेंगे। सो यू विल बी अमेज टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। सो विद इन द अर्थ एक्चुअल में क्या होता है कि धरती के बीच में भी यहाँ पे जो है ना कई सारी मूवमेंट्स जो है वो होती रहती हैं, और कंटिन्यूस मूवमेंट जो है ना वो यहाँ पे धरती के बीच में होती रहती है। तो धरती के अंदर यहाँ पे जो है कुछ प्रोसेसेस होती रहती हैं ना, कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे सरफेस पे भी होते रहती हैं, मीन सरफेस के ऊपर यहाँ पे होते रहते हैं। कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे जो है सरफेस के अंदर होती हैं, नीचे होती हैं, कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे जो है सरफेस के ऊपर होते हैं, ओके। तो जो धरती के अंदर जो प्रोसेसेस यहाँ पे होते रहती हैं उन्हें हम जो है इंटरनल प्रोसेसेस बोलते हैं, एंड जो धरती के बाहर यहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोसेसेस बोलते हैं, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द इंटरनल प्रोसेसेस,
तो जो धरती के अंदर यहाँ पे प्रोसेसेस होते रहते हैं ना, उसकी वजह से जो है ना एक्चुअल में जो धरती है वो अपलिफ्ट हो जाती है किसी किसी जगह पे, तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे पहाड़ बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं। ओके, धरती के इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो है अपलिफ्ट हो जाती है, ओके, जो धरती है, एंड या फिर जो है कई बार धरती की जो है ना वो सिंक भी हो जाती है। ओके, कई बार यहाँ पे जो है पहाड़ बन जाते हैं, धरती जो है ऊपर उठ जाती है, कई बार धरती जो है ना वो सिंक भी हो जाती है। ओके, वहां पे खाई वगैरह भी जो है वो बन जाती है। इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से जो है दो चीजें होती हैं, या तो अपलिफ्टमेंट होती है या फिर जो है सिंकिंग होती है धरती की। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है, तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं, राइट? सो सेकंड प्रोसेस जो है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रोसेस कौन से हो सकते हैं धरती की सरफेस के ऊपर? या तो यहाँ पे पानी के बहाव की वजह से, ओके, यहाँ पे जो ऊपर वाली मिट्टी है वो बह गई है, एंड या फिर हम बोल सकते हैं हवा की वजह से भी जो है ऊपर की जो मिट्टी है वो बह जाती है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस, राइट? सो सेकंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। क्या होता है यहाँ पे, एक जगह से जो है ना हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से लगातार जो मिट्टी है ना वो वहां से वेयर डाउन होती रहती है एक जगह से, एंड फिर दूसरी जगह पे जाके जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, एंड वहां पे एक नया जो है ना लैंडफॉर्म बन जाती है, जिस जगह पे जो है वो जो मिट्टी वगैरह है वो एक तरह से डिपॉजिट हो जाती है नई जगह पे। ओके, तो अभी के लिए आपको जो है ये चीजें याद रखनी है कि कौन कौन से दो प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे धरती के, एक होता है इंटरनल प्रोसेस, दूसरा होता है यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोसेस। ओके, तो ये जो है इनके जो प्रोसेसेस है इनके बारे में डिटेल वे में जो है ना आगे आने वाली जो क्लासेस हैं, क्लास 7 की जो NCERT है, 8 की NCERT है ना, उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे डिटेल वे में। ओके, सो द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द इरोजन। तो जैसे कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि जो अर्थ की सरफेस है वहां से जो है ना मिट्टी वगैरह जो है निकल जाती है, वेयर अवे हो जाती है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम इरोजन बोल देते हैं। सो द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द इरोजन, एंड द सर्फेस इज बींग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो जब इरोजन होता है ना यहाँ पे किसी जगह से, धरती के सर्फेस से जब यहाँ पे इरोजन होता है ना, उसकी वजह से जो धरती है ना वो क्या हो जाती है, वो लो डाउन हो जाती है। ओके, मीन वहां पे जो है एक तरह से नीची हो जाती है धरती, एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिशन। तो वहां से जो मिट्टी वगैरह जो है यहाँ पे बह के आई है, तो एक जगह पे आके जो है वो डिपोजिट हो जाएगी, तो उस डिपोजिशन की वजह से जो है ना वहां पे अर्थ की सर्फेस किसी नई जगह पे जाके जो है वो रीबिल्ट हो जाती है, राइट? तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपके जो है आगे जाके ज्योग्राफी के जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वहां पे आपको जो है ये काम आएंगे। ओके, सो दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय द रनिंग वाटर। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये दोनों जो प्रोसेसेस है, इरोजन हो गया एंड डिपोजिशन हो गया, राइट, ये जो है ना यहाँ पे किसकी वजह से होते हैं, रनिंग वाटर की वजह से होते हैं, आइस की वजह से होते हैं, या फिर विंड की वजह से भी हो सकते हैं। ओके, सो ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड द स्लोप। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में ही बात करेंगे, तो लैंड फॉर्म्स को हम जो है ना मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिवेशन, उनकी ऊंचाई कितनी है, ओके, एंड उनकी स्लोप के बेसिस पे, ओके, उनकी जो ढलान है वो किस तरह की है। तो एक हो गया आपका माउंटेन्स, सेकेंड वन इज द प्लेट्यूज, एंड थर्ड वन इज द प्लेन्स। ओके, अब इनके बारे में जो है डिटेल वे में आगे कवर करते हैं। तो ये जो पिक्चर यहाँ पे जो है वो बताई हुई है, ये जो है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो आप यहाँ पे देख पाते हो धरती के जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस की वजह से जो बनते हैं, राइट, जो यहाँ पे पिक्चर बताई हुई है, तो इनके बारे में डिटेल वे में आगे यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हो गया जो धरती की अपलिफ्टेड पार्ट हो गया, दिस इज नोन एज अ माउंटेन रेंज। ओके, फिर आ गया यहाँ पे सेकंड पार्ट इज अ बेसिन। तो ये बेसिन किस तरह से बनता है इसके बारे में भी जो है आगे जाके कवर करेंगे। आफ्टर इट यहाँ पे आपके हो गए प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के बाद में आपकी जो है ये तो होगी रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी, उसके बाद में यहाँ पे प्लेन हो गए। ओके, तो प्लेन्स यहाँ पे बनते हैं, एंड डेल्टास भी जो है वो यहाँ पे बनते हैं, पेनिनसुलास यहाँ पे बनते हैं। इन सब के बारे में जो है डिटेल वे में जो है आगे जाके जो है कवर करते हैं, फिर आपको जो है ये वाला डायग्राम जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो सबसे पहले माउंटेन्स की बात करते हैं, राइट? माउंटेन जो है आई थिंक आपको सभी को पता भी होगा,
तो माउंटेन जो है इट इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस जो है नेचुरली जब एलिवेट हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, तो उसे हम जो है माउंटेन बोलते हैं, वहां पे माउंटेन बोलते हैं उसे. ओके, सो द माउंटेन वी हैव अ स्मॉल समिट और अ ब्रॉड बेस. तो यहाँ पे जो है स्मॉल समिट हो सकता है या फिर ब्रॉड बेस उसका जो है यहाँ पे हो सकता है. मोस्टली इसका जो बेस है वो ब्रॉड ही होता है. ओके, माउंटेन्स का. एंड माउंटेन जो है उस एरिया को बोला जाता है जो एरिया यहाँ पे अपने सराउंडिंग एरिया से जो है हायर होता है, तो उसे हम माउंटेन बोल देते हैं. राइट, एंड कई बार तो माउंटेन्स जो है इतने ज्यादा जो है ऊंचे होते हैं, इतने ज्यादा हायर होते हैं कि इवन जो है वो क्लाउड्स को भी पार कर जाते हैं. मीन क्लाउड से भी जो है वो हायर होते हैं. सो जैसे कि आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे जो है एलिवेशन बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, तो जो क्लाइमेट है ना यहाँ पे, ओके, वो कोल्डर होता जाता है. वहां पे जो ठंड है ना वो भी बढ़ती जाती है हाइट की वजह से. जब हमने यहाँ पे डोमेन्स के बारे में हम यहाँ पे जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, दैट एज यू गो है, जैसे जैसे आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ पे क्या होता है, वो लो होता जाता है. ओके, टेम्परेचर जो है वो लो होता जाता है. एंड इन सम माउंटेन्स दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. तो इसी की वजह से क्या होता है कि माउंटेन्स जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, इवन क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, तो वहां पे जो है ना क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है. तो इन सम माउंटेन्स यहाँ पे जो है ना कई बार परमानेंटली जो एक तरह से जम चुकी होती हैं रिवर्स, वो भी आपको देखने को मिलती हैं. परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स जो होती है ना वो भी आपको देखने को मिलती हैं. तो ये जो परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स होती हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जो है ग्लेशियर्स बोलते हैं. ओके, सो दे आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी. तो अब ऐसा नहीं है कि सरफेस के ऊपर ही यहाँ पे जो है माउंटेन्स बनते हैं, सी के अंडर भी यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं जिन्हें आप देख नहीं पाते हो. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट. अगर हम यहाँ पे बात करें माउंटेन्स के क्लाइमेट की, यहाँ के लाइफ की हम यहाँ पे बात करें, तो माउंटेन्स में जो है ना हमेशा ही आपको जो है पॉपुलेशन बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा हार्श होता है. एंड इवन यहाँ पे जो स्लोप्स होती है वो बहुत ज्यादा स्टीप होती हैं. ओके, बहुत ज्यादा तीखी होती हैं, तो यहाँ पे जो है ना लाइफ पॉसिबल नहीं होती है. लैंड जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है जिसके ऊपर जो है लोग खेती कर सके. ओके, तो इसी की वजह से यहाँ पे जो माउंटेन्स होती है ना वहां पे जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा हार्श होती है, वहां का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज्यादा हार्श होता है. बहुत ही कम पॉपुलेशन जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगी. तो अब क्या होता है यहाँ पे कि आपको कई बार जो है ना कई सारे माउंटेन्स जो है वो इकट्ठी यहाँ पे एक लाइन में जो है देखने को मिलती हैं. माउंटेन्स मे बी अरेंज इन अ लाइन. यही कई बार यहाँ पे जो है ना कई सारी माउंटेन्स जो है वो आपको एक लाइन में जो है देखने को मिलती हैं. एक ये माउंटेन हो गया, एक ये माउंटेन हो गया, एक ये हो गया, राइट. कई सारे यहाँ पे जो है एक लाइन में कई सारे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं. तो इन सभी को, इस लाइन को हम जो है क्या बोल देते हैं, इस लाइन को हम जो है रेंज बोल देते हैं, राइट. So many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over the 100 of kilometer. तो ये जो ranges है ना वो 100 of kilometer तक जो है वो फैली होती हैं, right? तो इन्हीं में से ranges का अगर हम यहाँ पे नाम लें तो हमारे पास जो है ना हमारे पूरे world में कई सारी ranges है जो कि बहुत ज्यादा famous हैं. सबसे पहले तो हमारे इंडिया का ही हो गया हिमालय, सेकंड वन इज द अल्प्स हो गया, एंड थर्ड वन इज द एंडीज हो गया. ओके, तो ये कहाँ पे है, एशिया में है. अल्प्स हो गया आपके यूरोप में, एंड एंडीज हो गया आपके साउथ अमेरिका में, राइट. तो ये जो माउंटेन्स है दे वेरी इन देयर हाइट एंड दी शेप. ऊंची नीची होती हैं, वेरी करती है इनकी हाइट एंड शेप. एंड अब जो है माउंटेन्स के टाइप्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो माउंटेन्स को भी फर्दर हम जो है ना 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स, सेकंड वन होते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स, एंड थर्ड वन होते हैं आपके वोल्केनिक माउंटेन्स. ओके, तो 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स हमारे पास होते हैं. पहले हो गए आपके फोल्ड माउंटेन्स, तीसरे हो गए ब्लॉक माउंटेन्स, एंड थर्ड वन इज दी वोल्केनिक माउंटेन्स. ओके, सो द हिमालयन माउंटेन्स एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद दी रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स. ओके, काफी ज्यादा हाई कॉनिकल इनकी ऊपर से कौन सा ऐसे बना होता है पीक के ऊपर, काफी ज्यादा ये रग्ड होते हैं. ओके, तो इन्हें हम जो है फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, राइट. एंड द अरावली रेंज जो है इंडिया की, ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का. ओके, तो दिस इज ऑल्सो फैक्ट डेट यू हैव टू कीप इन माइंड डेट द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, राइट.
सो द रेंज हैज कंसिडरेबली वॉर्न ड्यू टू द प्रोसेसेस ऑफ द इरोजन. तो अब ये जो रेंज है ना कंसिडरेबली वॉर्न डाउन भी होती जा रही है इरोजन के प्रोसेस की वजह से. सो आफ्टर दैट द अपलैंजेस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन द रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड द लो एलिवेशन एंड दे आर वेरी ओल्ड फुल माउंटेन्स. ओके तो अपलैंजेस जो है ना यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के एंड यूराल माउंटेन्स हो गए रशिया के, वो भी काफी पुराने जो है फोल्ड माउंटेन्स हैं, राइट. तो ये जो पिक्चर आप पीछे देख पा रहे हो ये पूरे वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. जैसे कि ये यूरोप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक रेंज है यहाँ पे, इस रेंज को हम अल्प्स माउंटेन बोलते हैं, अल्प रेंज इसे बोलते हैं. एंड ये इंडिया का हो गया, ये भी एक रेंज है पूरी, तो इसे हम हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं. एंड इधर अफ्रीका की हम यहाँ पे बात करें तो ये होगी ये वाली रेंज आपकी आल्टस माउंटेन्स. एंड आफ्टर दैट जो है साउथ अमेरिकन प्लेट में जो है ये वाली होगी आपके अंडेस माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका में होगी आपके रॉकीज माउंटेन्स, राइट. तो ये चीजें भी आपको जो है यहाँ पे याद रखनी है. सो नेक्स्ट आर दी ब्लॉक माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा है. अब जो ब्लॉक माउंटेन्स है वो किस तरह के होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि धरती के जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं ना उसकी वजह से क्या होता है, जैसे प्लेट्स हैं, जब कभी भी यहाँ पे अर्थक्वेक नीचे धरती के आते ही रहते हैं, हमेशा मूवमेंट जो प्लेट्स के बीच में होती ही रहती है, तो जब भी वो एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के पास जब यहाँ पे जो प्लेट्स है वो आती जाती हैं, तो उसकी वजह से जो बीच वाली धरती होती है ना वो ऊपर उठती जाती है. तो वहां से जो है ना माउंटेन्स जो बने होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स बोल देते हैं. ओके तो ब्लॉक माउंटेन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली. ओके तो क्या होता है यहाँ पे कि जो लार्ज एरिया जब जो है टूट जाता है एंड वर्टिकली जो है वो जब यहाँ पे फैलता है, तो जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है ये फिर एक अपलिफ्ट हो जाता है ब्लॉक एंड दूसरा जो है वो यहाँ पे दो वो नीचे ही रहते हैं. तो इस अपलिफ्टेड ब्लॉक को हम जो है क्या बोल देते हैं, इसे हम जो है ना होस्ट बोलते हैं. एंड जो लोड ब्लॉक्स होते हैं ये वाले, इसे हम जो है ग्रेबिन बोलते हैं. ओके जो लोड ब्लॉक्स होते हैं इन्हें हम जो है ग्रेबिन बोलते हैं. सो द रेन वैली हो गए एंड वॉस्टेस माउंटेन्स होगी इन द यूरोप जो है ये इस तरह के माउंटेन्स है वो ब्लॉक माउंटेन्स ही हैं. एंड आफ्टर इट हमारे पास वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं. तो कई बार जो है धरती से यहाँ पे लावा जो है वो भी फूटता है, उसकी वजह से जो मिट्टी वगैरह बाहर आती है उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे बनते हैं, उन्हें हम जो है वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं. सो माउंट किलिमंजारो इन द अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन द जापान, ये जो है कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स ही हैं. तो माउंटेन्स जो है काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं आपके लिए. ये दीज आर ऑल्सो स्टोर हाउस ऑफ द वाटर एंड मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स. आपको पता है कि ग्लेशियर्स वहां पे होते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से स्टोर हाउस हो सकता है वाटर का. एंड फिर रिजर्वर्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, फिर इस वाटर को जो है हार्नेस किया जाता है सो डेट के जो लोग हैं वो इसे यूज कर सके. सो द वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज यूज फॉर द इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो है इसे यूज किया जाता है. एंड रिवर वैलीज होगी, टेरेसेज होगी, दे आर आइडल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स. एंड माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑल्सो. ओके एंड यहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, कई सारे फ्लावर्स वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं. तो फॉरेस्ट से आपको फ्यूल, फोडर, शेल्टर या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स हो गए, गम, राइसिंस जैसे जो है वो आपको मिल जाते हैं. एंड इवन टूरिस्ट के लिए भी जो है ना एक तरह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं माउंटेन्स. एंड वो सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए जो है वो यहाँ पे विजिट करते हैं माउंटेन्स को. एंड कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो भी यहाँ पे माउंटेन्स में होती है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग होगी एंड स्कीइंग होगी. ओके वो यहाँ पे जो है करवाई जाती है. सो ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वॉल्केनिक माउंटेन की जो है पिक्चर है. ओके जो लावा यहाँ से जो है नीचे से निकल रहा है तो ये जो माउंटेन है वो ऊंचा होता जा रहा है, तो इस तरह से जो माउंटेन्स बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से उसे हम जो है वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं. ओके सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो